परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी में हम बात करेंगे IRH ज्ञानदासन के जीवन के बारे में। जन्म 18 अप्रैल 1915, मृत्यु 16 जुलाई 1973, मूल स्थान तिथुविलाई कन्याकुमारी, दर्शन भारत। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। IRH ज्ञानदासन कन्याकुमारी सूबा के पहले बिशप थे जिन्हें चर्च और उसकी गतिविधियों को समेकित करने के लिए जाना जाता है। 1959 में जब कन्याकुमारी सूबा का गठन किया गया था तब इसके अंतर्गत लगभग 277 चर्च थे। इतने बड़े सूबा की अगुवाई करने की चुनौती ज्ञानदासन के सक्षम कंधों पर आ गई। अपनी सेविकाई के दौरान उन्होंने संविधान और गलीशिया का क्रम को स्थापित किया और उनके अधीन में वह सूबा बहुतायत से फला फूला। ज्ञानदासन विशेष रूप से बच्चों के बीच अपनी सेविकाई के लिए जाने जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने और उन्हें अपनी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उनका तरीका सभी के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने उन्हें विभिन्न आयु समूहों में विभाजित किया और प्रत्येक समूह को एक मिशनरी के नाम से नामांकित किया। उन्होंने बच्चों को रोगियों को परामर्श करके धैर्य बंधाने और सेवकों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे बच्चों की सेविकाई के माध्यम से विशेष रूप से कोढ़ियों को बहुत तसल्ली मिलती थी। अपने समन्वय के दिन से ज्ञानदासन विशेष रूप से अपने सूबा में शिक्षा सुविधाओं के बारे में चिंतित थे। उन्होंने प्राथमिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित योजनाएं बनाई और कन्याकुमारी और उसके आसपास कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। उनके नेतृत्व में चिकित्सा मिशनरी अभियान पूरे पैमाने पर चला जिसने न केवल रोगों को शारीरिक रूप से बल्कि उनकी आत्माओं को भी ठीक करने का ध्यान रखा। उनके द्वारा शुरू किए गए विकलांग बच्चों के लिए स्कूल अभी भी सक्रिय रूप से कई दुर्भाग्य बच्चों का भविष्य को बदल रहे हैं। ज्ञानदासन एक सीधा साधा व्यक्ति थे जो ख्याति से बचते थे और चाहते थे कि केवल परमेश्वर की महिमा हो। एक बिशप के रूप में उनका कार्यकाल कन्याकुमारी सूबा के लिए वास्तव में सुनहरा था और इसे समेकन की अवधि कहा जाता है। आज 18 अप्रैल उनके जन्मदिन पर हमें उनके जीवन और सेविकाई द्वारा प्रोत्साहित होने की जरूरत है। प्रिय, क्या आप अपने कार्य के हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? हे प्रभु, मुझे अपनी महिमा का माध्यम बनाओ। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।